हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज मैं आपको बताऊंगी संदूक का कवर बनाना। तो देखिए, संदूक का कवर बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपने संदूक का माप लेना होगा। तो हमें इसकी लंबाई का माप लेंगे। तो हमारा संदूक टोटल इसकी लंबाई है 35 इंच, ये देख सकते हैं आप। अब हम इसके ऊपर की चौड़ाई का माप लेंगे। तो हमारा चौड़ाई है टोटल 20 इंच। आपको माप लेने के साथ साथ एक कॉपी पेन पर इसको लिख भी लेना है, ताकि आपका कटिंग करते समय नाप भूल ना जाए। अब हम अपने पूरे संदूक की लंबाई का माप ले लेंगे। तो हमारा टोटल है 17 इंच, आप ये देख सकते हैं। आपको इस तरीके से माप लेकर आपको कॉपी पेन पे नोट कर लेना है। इसके बाद चलिए मैं आपको कटिंग करना बताती हूँ। मैं आपको पुरानी साड़ी से बताऊँगी, आप किसी कोई भी न्यू कपड़ा अपना लेके यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी देखिए पुरानी साड़ी है। तो हम सबसे पहले अपने आँचल वाले पार्ट्स को, इसमें हमारा थोड़ा वर्क है तो इसको हम ऊपर कर लेंगे तो हमारा ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो इसको हम सबसे पहले ऊपर करके उसकी कटिंग करते हैं। तो देखिए, कटिंग करने के लिए जो हमारा 35 इंच था, तो उसको हम 36 इंच ले लेंगे, लेकिन ज़्यादा उसमें सिलाई के लिए कपड़े ले लेंगे। और ये जो हमारा 20 इंच था, तो उसको हम 21 इंच कर लेंगे। एक एक इंच आपको कपड़ा ज़्यादा ऐड कर लेना है, क्योंकि हमारा सिलाई में कपड़ा चला जाता है आधा आधा इंच। और इस तरीके से हम इधर भी माप लेकर और इसकी कटिंग कर लेना है, देख सकते हैं यहाँ से। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ये देखिए, हमारे ऊपर वाला पार्ट्स की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसी साड़ी में से इसको कट करके हटा लेंगे। और आप किसी भी एक किनारे से ले लीजिए, क्योंकि हमारी साड़ी का किनारा सिलना नहीं पड़ेगा। और हम इसको सिलने में सिर्फ इसमें आधा इंच ही कपड़ा ऐड करना है, ये देखिए। और आधा इंच नीचे से थोड़ा सा प्लेट प्लेट मैंने 1 इंच लग जाता है, तो आप 17 इंच है तो इसको 18 इंच कर लीजिए। और इस तरीके से आप 18 18 इंच पे थोड़ा सा टिक लगा लगा के इसको लंबा इस तरीके से, ये देखिए, पूरी साड़ी में। आपको फ्रिल बनाना है तो फ्रिल में आपको कपड़ा ज़्यादा लगता है, तो इसलिए हम इस पूरी साड़ी का कपड़ा ले लेंगे। और ये देखिए, इसको इस तरीके से 18 18 इंच का माप लेके हम पूरे साड़ी कटिंग कर लेंगे, ये देखिए, पूरा वहाँ से यहाँ तक। अब मैं आइए आपको सिलना बताती हूँ कि आपको सिलना कैसे। हमारा कटिंग हो चुका है, ये देखिए। आपको किसी भी साड़ी के इस ऊपर वाले कवर किसी भी एक किनारे से रख लेना है इसको इस तरीके से। और इस पर आपको फ्रिल बनाते हुए, चुन्नट देते हुए आपको इस पर सिलाई करनी है, ये देखिए। और यहाँ से ऐसे घुमाना है, फिर आपको यहाँ से इस किनारे से ऐसे घुमा लेना है, ये देखिए। और फिर यहाँ से घुमा के आपको इधर भी सिल लेना है, फ्रिल देते हुए। तो आइए मैं आपको सिल बताती हूँ कि आपको सिलना कैसे है। तो आप किसी भी एक किनारे से इसको रख लीजिए, और ये देखिए, आप इस पर चुन्नट बनाते जाइए। अगर आपको बहुत ज़्यादा चुन्नट चाहिए तो आप इसमें और एकदम पास पास फ्रिल बना सकते हैं, एकदम सटा सटा के एक पास ही, तो इसमें और ज़्यादा फ्रिल बनेगा। नहीं तो आप इसमें कम से कम आधा आधा इंच का गैप करके बनाइए, ये देखिए इस तरीके से। मैं आधा इंच का गैपिंग कर रही हूँ, इसमें मेरा फ्रिल कम नहीं होता है, बहुत सुंदर फ्रिल बनता है, शायद आपने देखा ही है ऊपर। तो ये देखिए, हमको इस तरीके से फ्रिल बनाते हुए इस पूरे कपड़े पर सिलाई कर रहे हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि हम सीधा यहाँ तक सिल लेते हैं, फिर आपको बताऊँगी कि इसको घुमाना किस तरीके से है। ये देखिए, हम इस तरीके से यहाँ तक सिलते हैं। अब ये देखिए, हमारा कोने तक सिल गया है। तो इस तरीके से हम फ्रिल बना लेंगे, फिर यहाँ से घुमाने के लिए आपको, ये देखिए, मैं इस तरीके से पकड़ के और इस कपड़ों को यहाँ से ऐसे घुमाना है, इस फ्रिल को भी इधर से ऐसे हटा लेना है, ताकि हमारे कपड़े इसमें दबके सी लेना। और फिर हम इस पर भी उसी तरीके से फ्रिल बनाते जाएंगे, ये देखिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ आपसे मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो बनाती हूँ तो आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल सके। तो देखिए, हमारा फ्रिल बन चुका है चारों तरफ से। और जो हमारा पीछे वाला पार्ट था, उसमें मैंने कोई फ्रिल नहीं बनाया है, उसको मैंने प्लेन सिल दिया है, देखिए। अब ये जो हमारे दोनों सिलते सिलते आपका जो दो किनारे पे आएंगे, तो जो दो हमारा जिसमें यही एक कपड़ा ही बचता है, तो दोनों साइड के घेर को हम एक आपस में जोड़ लेंगे, देखिए इस तरीके से। हम यहाँ तक इसको सिलाई कर लेते हैं। आपको मैं एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगी कि आपको हमारे चैनल पे हर तरीके के कवर की वीडियो अपलोड किए हुए मिल जाएंगे। अगर आप भी किसी चीज़ का कवर बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसका वीडियो अपलोड ज़रूर करूँगी। अगर आपको वीडियो एक बार में समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप वीडियो को दोबारा देखिए, मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपको एक बार में ही समझ में आ जाए। तो ये देखिए, हमारा कवर बनकर रेडी हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा सिला कैसे है। तो ये देखिए, जो हमारा ऊपर वाला पार्ट था, जो मैं आपको कटिंग करके दिखाई थी, मैं उसी पार्ट मैंने जोड़ लिया है। तो ये दोनों साइड से, ये देखिए, हमारा इधर फ्रिल है, इधर और इधर, और ये देखिए इधर भी हमारा फ्रिल है। मैंने सिर्फ पीछे वाले एक साइड से नहीं बनाया है, जो कि हमारे बक्से की चौड़ाई था, तो एक साइड से हम नहीं बनाया। इसको हम इस तरीके से कर देंगे तो हमारा पीछे चला जाएगा। आइए मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। तो देखिए, हमारा बक्से कवर बनकर तैयार हो गया है, ये देख सकते हैं आप। आपको इस तरीके से इस पर रख लेना है, ये देखिए,
अगर आपके पास कोई कपड़ा है तो आप उसमें थोड़ा सा कोई कॉटन कपड़ा भी एक अस्तर की तरह यूज कर सकते हैं ऊपर वाले पार्ट्स में, तो अच्छे से बक्से के साथ चिपक जाएगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आपको बक्सा धोना है तो आप इसको निकाल के धो लीजिए, फिर वापस आप इस तरीके से लगा सकते हैं। बक्से खोलना भी तो आपको कवर हटा के खोल लीजिए, फिर उसको दोबारा से वापस लगा दीजिए। ये देख सकते हैं आप कितना सुंदर कवर बनकर तैयार हो गया है। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।